हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर के बारे में, कि एटमॉस्फेयर है क्या, किस तरह इसका कंपोजिशन हुआ है, टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी वगैरह। और ये लेक्चर नंबर टू है। अगर आपने अभी तक एटमॉस्फेयर का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेयर का कितने लेयर है, एटमॉस्फेयर के फोर लेयर है, ठीक है। कितने लेयर है, फोर लेयर है। एक है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो स्फेयर, फोर्थ वन थर्मोस्फेयर। एटमॉस्फेयर के फोर लेयर हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है। अब हमने वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बारे में, ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है ट्रोपोस्फेयर, एंड देन स्ट्रेटोस्फेयर, एंड देन मीजोस्फेयर, एंड थर्मोस्फेयर, ठीक है। देखिए जो ट्रोपोस्फेयर है ये क्या है, ये लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने साथ नोट करें, ठीक है, कि जो ट्रोपोस्फेयर है ये लोवेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का। इट इज द लोवेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने साथ नोट करें, लोवेस्ट लेयर, इट इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर का ये लोवेस्ट लेयर है, ये अपने से नोट करें। अब बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के हाइट्स के बारे में, कि ट्रोपोस्फेयर का हाइट कितना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने साथ नोट करें। अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि ट्रोपोस्फेयर का हाइट कितना है, ठीक है, हाइट, ओके। देखिए ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो डिपेंड करता है किस पे, ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो डिपेंड करता है लेटिट्यूड पे, सीजन पे एंड प्रेशर पे, ठीक है। इट्स हाइट डिपेंड्स अपॉन लैटिट्यूड, ठीक है, सीजन्स एंड प्रेशर, इस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये अपने साथ नोट करें कि एट इक्वेटर में इट्स हाइट इज 16 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपने सब नोट करें कि इक्वेटर में इसका जो हाइट है वो है 16 किलोमीटर अर्थ सरफेस है, ठीक है, एट इक्वेटर इट्स हाइट, इसका जो हाइट है इक्वेटर में, ठीक है, इज 16 किलोमीटर, कितना है 16 किलोमीटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने सब नोट करें, फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है, ये आपने सब नोट करें कि इक्वेटर में ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट है वो कितना है,
और सरफेस है 16 किलोमीटर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपने सब नोट करें। और ये अपने से नोट करें कि 45 लेटीट्यूड में इसका जो हाइट है वो है 19.65 किलोमीटर, ठीक है। एंड एट 45 सेंटीग्रेड, 45 सेंटीग्रेड में, ठीक है, सॉरी 45 डिग्री में, 45 डिग्री लेटीट्यूड में, लेटीट्यूड में, ठीक है, 45 डिग्री लेटीट्यूड में इसका जो हाइट है वो है इज 19.65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, ठीक है, ये आपने साथ नोट करें के 45 डिग्री लेटीट्यूड में इसका जो हाइट है वो है 19.65 किलोमीटर, ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। अब ट्रोपोस्फेयर का जो एवरेज हाइट आता है वो है 11 किलोमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। हाउ एवर, ठीक है, हाउ एवर इट्स एवरेज, इट्स एवरेज हाइट, इसका जो एवरेज हाइट है वो कितना है, इसका जो एवरेज हाइट है वो है हमारे पास इज 11 किलोमीटर, कितना है, 11 किलोमीटर है, ठीक है, 11 किलोमीटर, ठीक है, तो आपने नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आप अपने साथ नोट करें। अब डिस्कस करते हैं टेम्परेचर रेंज, कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर रेंज कितना है, ठीक है, अब ये मैं रिमूव करता हूँ। अब बात करते हैं टेम्परेचर रेंज के बारे में, टेम्परेचर रेंज, देखिए इसमें जो एवरेज टेम्परेचर रेंज है ऑफ ट्रोपोस्फेयर का वो है 15 सेंटीग्रेड नियर द सरफेस, ठीक है, नियर द सरफेस 15 सेंटीग्रेड है और -65 सेंटीग्रेड एट द टॉप, क्लियर हुआ, अपने साथ नोट करें। द एवरेज टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है इसका रेंज है, द एवरेज टेम्परेचर रेंज ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज फ्रॉम 15 सेंटीग्रेड नियर द सरफेस, ठीक है, नियर द सरफेस जो टेम्परेचर होगा 15 सेंटीग्रेड टू -56 सेंटीग्रेड एट द टॉप में कितना है, एट द टॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एट द टॉप, नियर द सरफेस कितना है 15 सेंटीग्रेड है और एट द टॉप कितना है -56 सेंटीग्रेड, ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो टेम्परेचर है ये चेंज होता है एट द रेट ऑफ 6.5 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर में जो टेम्परेचर है ये चेंज होता है 6.5 सेंटीग्रेड, 1 किलोमीटर के बाद जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है 6.5 पर किलोमीटर, मतलब ये कि 1 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज आता है 6.5 सेंटीग्रेड, क्लियर होती है, अपने साथ नोट करें, यहां पर आप देख सकते हैं द टेम्परेचर चेंज एट अ रेट ऑफ 6.5 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर में
एक किलोमीटर के बाद 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, यह है टेम्परेचर। अब बात करते हैं मेजर कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, अब बात करते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेजर कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट के ट्रोपोस्फेयर का मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? देखिए, ट्रोपोस्फेयर का जो मेजर कंपोनेंट्स है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मेजर कंपोनेंट है ट्रोपोस्फेयर का वो है नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर। ये क्या है? ये है मेजर कंपोनेंट ट्रोपोस्फेयर का। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर का जो मेजर कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ठीक है, तो अपने साथ नोट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपने साथ ये नोट करें कि, ठीक है, कि तकरीबन 70 से लेकर 75% गैसेस इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अबाउट 70 to 75% जो गैसेस हैं वो इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ऑफ द एटमोस्फेयर स्फेयर ऑफ द एटमोस्फेयर गैसेस आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। ठीक है, 70 से लेकर 75% जो गैसेस है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो इस ट्रोपोस्फेयर में मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपने साथ नोट करें। अब बात करते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में कौन सा फिनामिना होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप बात करते हैं। ओके, आप बात करते हैं फिनोमिना ऑकरिंग इन ट्रोपोस्फेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिनोमिना। ऑकरिंग इन ट्रोपोस्फेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने साथ नोट करा। ठीक है, देखिए, जो मोस्ट ऑफ द वेदरिंग फिनामिना है ये ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, ये लाइन अपने साथ नोट करें कि जो वेदरिंग फिनामिना है ये कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वेदर, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिनो, मोस्ट ऑफ द फिनोमिना टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में जो वेदर फिनोमिना है वो होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपने साथ नोट करें कि जो क्लाउड की फॉर्मेशन होता है वो कौन से लेयर में होता है एटमॉस्फेयर में, ये जो क्लाउड की फॉर्मेशन होता है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में होता है। ठीक है, द क्लाउड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, द क्लाउड फॉर्मेशन आल्सो टेक प्लेस एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये है फिनोमिना जो कि ट्रोपोस्फेयर में होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने साथ नोट करें। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में।